केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। नियम के मुताबिक ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा योगदान पर ब्याज आय पर टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक बैंक ड्राफ्ट से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आपको सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा। जब जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तब तब उसकी बिक्री का 1% TDS भी कटेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दी है। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक 4 अप्रैल से बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है।